गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब लेक्चर देख रहे हैं उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग। होप्स सब अच्छा होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलो, होप आपने प्रीवियस लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। मैंने फाइनेंस के ऊपर भी लेक्चर डाला हुआ है, मैंने कॉस्ट के ऊपर भी लेक्चर डाला हुआ है। फाइनेंस में हम लोग ने पूरे पांचों चैप्टर्स में जो भी था उसका, जो भी क्रक्स था चैप्टर का, जो भी कॉन्सेप्ट था, पूरा डिस्कस किया मैंने इस वीडियो में। सेम कॉस्ट में भी जो पांचों चैप्टर्स में जो भी थियोरी पार्ट था, जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, वो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। नाउ अब बारी टैक्स की। आप लोगों ने मुझे, बहुत से लोगों ने मेल भी लिखा है, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पर भी भेजा है टैक्स के वीडियो के लिए। तो आपके लिए ये प्रेजेंट है टैक्स का वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वीडियो देखने के बाद यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है, चलो स्टार्ट करें लेक्चर। आपको दिख रहा है मैंने सारा चैप्टर वाइज कर दिया। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, स्कोप ऑफ सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड कॉम्पोजिशन लेवी। ये देखो टोटल अपने पास 12-13 चैप्टर्स हैं। ऐसे चैप्टर वाइज करके पढ़ेंगे। सेम जैसे मैंने फाइनेंस में भी आपको बताया था चैप्टर वाइज ही आप उन्हें पढ़ा था, 1-2-3 ऐसे चैप्टर। कॉस्ट में भी चैप्टर वाइज पढ़ा था, यहाँ भी आप उन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनेंस और कॉस्ट का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखो। देखो आपको पता है एग्जाम में सम्स नहीं आने वाले, मैं रिपीट कर देता हूँ, सबको पता है एग्जाम्स में सम नहीं करना है। क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। लेकिन आपको भी पता है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये वीडियो का मेन पर्पज़ भी मेरा यही है। मुझे पता है ये पढ़ने के बाद सिर्फ आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि टैक्स में पढ़ा क्या था आपने, सो दैट जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आपको सबको अपने अपने शीट्स मिल गए होंगे, एमसीक्यू के शीट मिल गए होंगे, तो जब आप रीड कर रहे हो तो हो सकता है याद नहीं आ रहा हो कि वो क्या पढ़ा था आपने, क्योंकि टाइम हो गया ना, 4-5 महीने पहले आपने पढ़ा था। सो ये लेक्चर देखने के बाद जब वो रीड करोगे ना तो आपको पूरा पता चलेगा कि हाँ इसका आंसर ये है तो क्यों है ये। अभी क्या हो रहा होगा, आप रीड कर रहे होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा ठीक है ये इसका आंसर है मान लेते हैं, बट उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों उसका वो आंसर है, शायद अभी आपको नहीं पता हो। तो ये वीडियो अच्छे से पूरा कंप्लीट देखना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। देखो मैं इतना एफर्ट डालता हूँ सिर्फ आपके लिए, तो मुझे इंस्पिरेशन कब मिलता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो मुझे भी अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन मिलता है, चलो एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैंने एफर्ट डाला हुआ है उसका फ़ायदा बहुत से लोगों तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जीएसटी में स्टार्ट कैसे किया था याद करो। आपके टीचर ने जहाँ भी आपने क्लास लिया था या कॉलेज में जहाँ भी, सबसे पहले स्टार्ट ऐसे किया था, क्या होगा कि टैक्स क्या होता है। तो आपने सीखा था टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है इंडिविजुअल को, जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल से वसूलती है। सर क्यों वसूलती है टैक्स, अरे गवर्नमेंट को दुनिया भर का काम करना होता है, गवर्नमेंट को रोड कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब एक दो एग्जाम्पल दिया मैंने। पुलिस का जो मैं पुलिस की डिफेंस की बात कर रहा हूँ, डिफेंस में जितने लोगों की सैलरी जाती है, जो इक्विपमेंट आता है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, ये सब खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होता है। वो गवर्नमेंट पैसे कैसे लाती है, टैक्स वसूल के लाती है। कैसे लाती है, टैक्स वसूल के। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हम लोगों ने SEM 5 में पढ़ा हुआ था, मतलब इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रीवियसली क्या था, सेंट्रल और स्टेट, मतलब सेंट्रल के अपने कुछ टैक्सेस थे, स्टेट के अपने कुछ टैक्सेस थे, मतलब सेंटर अपने हिसाब से कुछ टैक्सेस इम्पोज करती थी, स्टेट अपने हिसाब से। कुछ एग्जांपल्स देखो सेंट्रल के, CST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सब कौन चार्ज करता था, कौन लेवी करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट VAT मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब कौन चार्ज करता था, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, GST के आने के बाद क्या हुआ, फटाफट से बोलो, GST के आने के बाद क्या हुआ, ये सब सब्स्यूम्ड हो गया। क्या हो गया, सब्स्यूम्ड हो गया। जितने भी सेंट्रल चार्ज करती थी वो सब सब्स्यूम्ड होके क्या बन गया, CGST, और जितने भी स्टेट चार्ज करती थी वो सब सब्स्यूम्ड होके क्या हो गया, SGST। बोलने के लिए ऐसा खाली हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल वाला CGST बन गया, स्टेट वाला SGST बन गया। जनरली हम लोग बोलते हैं ये पूरा सेंट्रल और स्टेट का किस्सा ख़त्म, वन नेशन वन टैक्स जिसका नाम है GST, ऐसे ही सीखा था ना आपने। तो देखो ये मैंने क्यों लिखा जो प्रीवियसली ऐसा होता था, क्योंकि आपको याद होना चाहिए अगर आपको ऐसा MCQ में आया कि कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए थे, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए थे, तो कौन कौन से हुए थे,
CST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारे एग्जांपल्स नहीं है, कुछ एग्जांपल्स है जो ज़्यादा आने के चांसेस हैं। वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी, ये सब क्या होता है, सब्स्यूम्ड हुआ था। सब्स्यूम मतलब मिल जाना, एक हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समाहित हो जाना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समाहित हो जाना। तो समाहित होकर एक टैक्स बना था जिसका नाम है GST, जिसका नाम क्या है, GST। चलो आओ GST पे आते हैं। GST ये देखो, कोई भी एक्ट बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसका वो होना चाहिए एक्ट, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, एक आर्टिकल है 366 कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक किया ना, तो उसे करेक्ट करने मत जलाएं, सर क्या रॉन्ग बोल रहे हो, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं ये होगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। देखो क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डेफिनेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, फंडा क्लियर है। वो कह रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीन्स, मतलब GST, देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब GST मीन्स एनी टैक्स मतलब, एनी टैक्स का मतलब अभी हिंदी में क्या बताऊँ, एनी टैक्स का मतलब, मतलब कोई भी टैक्स जो सप्लाई पे लगे, किस पे लगे, सप्लाई पे लगे, मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, सप्लाई इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मतलब चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, क्या कह रहा हूँ, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उस पर टैक्स तभी लगेगा जब क्या बनेगा, सप्लाई बनेगा। सप्लाई बनेगा मतलब सर रीड करो फिर से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक तो वो गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए और उसका सप्लाई भी होना चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, पहली बात तो वो जिसका भी सप्लाई हो रहा है या तो वो गुड्स रहना चाहिए या तो सप्लाई सर्विस होना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ सप्लाई हो रही है या तो वो गुड्स होनी चाहिए या तो वो सर्विस होनी चाहिए। तो गुड्स और सर्विस दोनों हुआ और उसका सप्लाई हुआ तब GST लगेगा। सर गुड्स नहीं है ना ही सर्विस है तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। सर गुड्स और सर्विस है बट उसका सप्लाई नहीं है, वो मतलब जो भी आप कर रहे हो उसको सप्लाई आप नहीं मान रहे हो। सर सप्लाई किसको मानते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग, वो सप्लाई नहीं बन रहा है तो अगेन GST नहीं लगेगा। मतलब GST लगने के लिए एक कंडीशन सर, वो या तो गुड्स और सर्विस हो और दूसरा उसका सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। किस पे GST नहीं लग सकता, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे GST नहीं लगता है, वो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यहाँ पे MCQs में क्या आ सकता है, ये जो GST है, ये जो GST है आर्टिकल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के 366 में, आर्टिकल 366 में लिखा हुआ है, याद रखना MCQs के लिए, ठीक है। मुझे बताओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगने के लिए क्या होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए और साथ में उस गुड्स एंड सर्विस का क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, उस गुड्स एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस का क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। मतलब आप बोल सकते हो GST एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई पे लगता है, मतलब ये टैक्स ऑन सप्लाई है, ठीक है। दूसरा, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या कह रहा हूँ, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जब बेचोगे, जब सप्लाई करोगे तो जिसके पास जाएगा वो गुड्स, वो खरीदेगा तो उसकी डेस्टिनेशन वही होगी ना। मैंने ये देखो ये मार्कर बेच दिया आपको, बेचा मैंने ये मार्कर आपको बेचा, तो ये मैंने सप्लाई कर दिया, सेल सप्लाई होता है, आगे हम लोग सीखेंगे। ये मैंने आपको सेल कर दिया मतलब सप्लाई है और ये गुड्स भी है, ये आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका डेस्टिनेशन आपके पास है, आप मुझे टैक्स दोगे, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी होता है। तो मैंने दो चीज़ बताई, एक तो टैक्स ऑन सप्लाई और दूसरा है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन में देखो हर चैप्टर को हम लोग उतना उतना सीख लेंगे जितना अपने को काम का है। मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने का ट्राई करूँगा बट कुछ चीज़ें छूट जाएँ तो खुद देख लेना आप, मतलब MCQs तो है ही आपके पास, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया, तो पहले ये ऐसा चलता था अब ऐसा नहीं होता है, मतलब अब ये सारे टैक्सेस क्या लगते हैं, आंसर ये सारे टैक्सेस अब नहीं लगते हैं। तो कौन सा टैक्स लगता है इन सब के बदले में, GST लगता है, ठीक है। तो इसमें दो तीन याद रखना, ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए नाम याद रख लेना, GST कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, 366 में लिखा हुआ है। GST किस पे लगता है, सर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे लगता है या गुड्स एंड सर्विसेज बोथ पे, ऐसे भी बोल सकते हो।
उसका क्या होना ज़रूरी है, सप्लाई होना ज़रूरी है। अगर गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई नहीं हो रहा है तो टैक्स भी नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि GST जो टैक्स है वो ऑन सप्लाई, मतलब सप्लाई करोगे तो लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, एग्री। किस पे नहीं लग सकता? तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लग सकता, मतलब उसको GST के एम्बिट से बाहर रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। चैप्टर 1 समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस थे जो, देखो बहुत सारे डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला, गुड्स क्या होता है? तो देखो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। सीखा है आपने, सिर्फ रिविजन ही कर रहे हैं, आपको आइडिया है ये पहले से। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो वो गुड्स होती है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के। क्या क्या? मनी को और सिक्योरिटीज़ को। मनी को और सिक्योरिटीज़ को, मनी मतलब अपना पैसा और सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, डिबेंचर। देखो, पैसा भी क्या है अपने लिए? प्रॉपर्टी है, मूवेबल भी है, लेकिन वो क्या नहीं बनेगा? गुड्स नहीं बनेगा, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन से उसको बाहर रखा हुआ है। दूसरा, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, वो भी अपने लिए प्रॉपर्टी और मूवेबल भी होता है, लेकिन फिर भी अपने लिए गुड्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, गुड्स क्या होता है? सारी चीज़ें, सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़, अपनी सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़। अच्छा एग्जांपल दो अपनी सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का, मनी और सिक्योरिटीज़ को छोड़ के। अरे, अपनी बाइक, अपनी कार, समझ में आ रहा है? अपना कबाड, अपना, देखो ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड मेरे लिए एसेट, मतलब एसेट मानूंगा मैं, समझ में आ रहा है? जो भी यहाँ पे फिटिंग्स हैं, ये सब मेरे क्या हैं? एसेट्स हैं, फिटिंग्स कह रहा हूँ मैं, जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सारे मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होते हैं, एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज़। तो मनी ना गुड, मनी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, और ना ही सिक्योरिटीज़ गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सर्विस क्या होती है? सर्विस क्या होती है? एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज़, मतलब सर्विस मतलब वो सारी चीज़, सिर्फ तीन चीज़ को छोड़ दो। एक तो गुड्स को छोड़ दो, सही बात है, गुड्स को अगर पकड़ लोगे तो फिर तो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो गुड्स, वो गुड्स नहीं होना चाहिए, ना वो मनी होना चाहिए, ना वो सिक्योरिटीज़। तो ये तीन चीज़ को छोड़ दोगे। देखो, मनी और सिक्योरिटीज़ तो आपने यहीं छोड़ दिया था, और गुड्स भी छोड़ दो, तो फिर इन तीनों को छोड़ दो, जो बचेगा वो सर्विस है। क्लियर है? ठीक है, तो सर्विस मतलब सारी चीज़ें, सिर्फ तीन चीज़ को छोड़ के, गुड्स को, मनी को और सिक्योरिटीज़ को। याद रखना, मनी रिलेटेड सर्विस दोगे वो सर्विस में आता है, सिक्योरिटीज़ रिलेटेड सर्विस दोगे वो सर्विस में आता है। मनी रिलेटेड सर्विस क्या दे सकते हो? अरे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं ना, तो जो फॉरेक्स जो बैठा होता है, फॉरेक्स का अपना ब्रांच खोल के, वो जो सर्विस दे रहा है आपको, आप गए डॉलर दिए, रुपया ले लिया, रुपया दिया आपने डॉलर ले लिया, तो वो अपना जो सर्विस दे रहा है उसके ऊपर GST लगेगा। मतलब मनी रिलेटेड सर्विसेज जो है उस पर GST है, बट मनी पे GST नहीं है। सिक्योरिटीज़ रिलेटेड सर्विसेज पे GST है, बट सिक्योरिटीज़ पे नहीं है। सिक्योरिटीज़ रिलेटेड सर्विस क्या होती है? मैं एक ब्रोकर हूँ जो शेयर्स खरीदता बेचता हूँ, मतलब मैं इंटरमीडिएट का काम करता हूँ। एक जगह से ख़रीदा, दूसरी जगह पे बेचा, आपको इतना तो आइडिया होगा ही ना, कि जब कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता है ब्रोकर से, तो ब्रोकर बीच में कमीशन चार्ज करता है। तो मतलब मैं क्या दे रहा हूँ? एक सर्विस दे रहा हूँ। कौन सी सर्विस दे रहा हूँ? सिक्योरिटीज़ रिलेटेड, तो उस पर GST है, बट सिक्योरिटीज़ पे GST नहीं है। दोनों में कोई फ़र्क है कि एक ही चीज़ है? सिक्योरिटीज़ खरीदोगे बेचोगे तो उस पर GST नहीं है, लेकिन मैं जो हेल्प कर रहा हूँ, मैं जो आपको हेल्प कर रहा हूँ खरीदने बेचने में, तो मैं अपना कमीशन तो लूँगा ना, तो मैं कमीशन किस बात का ले रहा हूँ? सर, आप सर्विस दे रहे हो, सिक्योरिटीज रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, तो उस कमीशन पे GST लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तो? नेक्स्ट, गुड्स समझ में आ गया, सर्विस समझ में आ गया। थर्ड इज सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है। सप्लायर कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स, ये देखो, मैं एक पर्सन हूँ, मैं गुड्स या सर्विस को सप्लाई करूँगा, तो मैं कौन हूँगा? सप्लायर। देखो, बिजनेस में एक होता है गुड्स सप्लाई करने वाला, और एक होता है गुड्स रिसीव करने वाला, बेसिकली सेलर और बायर। तो GST में सेलर को सप्लायर बोलते हैं, बायर को रेसिपेंट बोलते हैं। सेलर को सप्लायर, बायर को रेसिपेंट। अब ध्यान से समझो, मैं कौन हूँ? मैं सेलर हूँ, गुड्स को सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई की, तो मैं कौन हो गया? सप्लायर। मेरे कहने पे मेरा एजेंट भी हो सकता है, मैं कहूँ एजेंट को, मैंने कहा गुड्स बायर को दे दो, तो एक एक्टिंग किसने की यहाँ पे? एक्टिंग मतलब यहाँ पे मेरा काम किसने किया? एजेंट ने, तो भी मैं कौन होगा? सप्लायर। ठीक, रेसिपेंट कौन होता है? नेक्स्ट, रेसिपेंट कौन होता है? वो पर्सन जो गुड्स को रिसीव करता है। देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ें, कंसिडरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। कंसिडरेशन मतलब, अगर आप ध्यान से सुनना, आपने मुझसे ये मार्कर खरीदा और पैसा आप देने वाले हो, आपने मुझसे मार्कर खरीदा या मुझसे कोई सर्विस ली,
मुझसे अपने गुड्स खरीदा या सर्विस ली, पैसा आप देने वाले हो। ये गुड्स किसी के पास भी जाए या सर्विस में किसी को भी दो, रिसिपिएंट आप माने जाओगे। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, आप, मैंने आपको कोई गुड्स बेचा या सर्विस दी, आप मुझे पैसा देने वाले हो, मतलब यू आर लाइबल टू पे, यू आर लाइबल टू पे, आप पैसा देने वाले हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं आपको सर्विस दूँ, आपको सर्विस दूँ या आपको गुड्स दूँ, या आपके कहने पे किसी और को गुड्स दे दूँ, आपने पैसा आप देने वाले हो। आपने कहा, आपने मुझे अपने दोस्त का एड्रेस दे दिया, मैंने उसको जाकर डिलीवरी दे दी, फिर भी वो नहीं, आप रिसिपिएंट माने जाओगे। ठीक है, तो कंसिडरेशन जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे जो कंसिडरेशन पे करेगा वो रिसिपिएंट है। कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है तो अगर मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ तो गुड्स के केस में जो गुड्स की डिलीवरी लेने वाला है वो रिसिपिएंट है, और सर्विस के केस में जो सर्विस जिसको मिलेगी वो रिसिपिएंट है। समझ में आया कि नहीं? फटाफट से, सप्लायर और रिसिपिएंट। सप्लायर कौन था? सर वो पर्सन जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, सर्विस सप्लाई कर रहा है, वो सप्लायर माना जाएगा। मेरे बिहाफ में कोई एजेंट भी एक्टिंग कर रहा है तो भी मैं ही सप्लायर मानू जाऊँगा, मेरे कहने पर उसने कोई गुड्स बेचा है तो ठीक है। दूसरी चीज़, रिसिपिएंट कौन होता है? रिसिपिएंट वो पर्सन होता है, देखो रिसिपिएंट के केस में ध्यान रखना कंसिडरेशन है कि नहीं है। कंसिडरेशन अगर है तो जो कंसिडरेशन पे करेगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। अगर आप मुझे कंसिडरेशन पे करोगे तो आपके कहने पे मैंने किसी को भी गुड्स या सर्विस दी, आप ही रिसिपिएंट माने जाओगे। बट कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, अगर इन केस कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है तो गुड्स का केस है तो गुड्स जिसके पास जाएगा, गुड्स जो रिसीव करेगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। और अगर सर्विस का केस है तो जिसे मैं सर्विस देने वाला हूँ तो जो सर्विस लेगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, बहुत ही सिंपल। टैक्सेबल सप्लाई मतलब, अरे वो सप्लाई जिस पर, जैसे मैंने आपको ये मार्कर बेचा और मार्कर बेचते वक्त मैंने इस पर टैक्स लगाया तो इसको मैं कहूँगा टैक्सेबल सप्लाई। बहुत ही सिंपल। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब मैंने आपको ये मार्कर बेचा और इस पर टैक्स नहीं लगाया, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स ही नहीं लगती, गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स रखा ही नहीं है, तो इसको मैं कहूँगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। डन। टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई समझ में आएगा। टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई करते वक्त मैंने इस पर टैक्स लगाया है तो टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई करते वक्त मैंने इस पर टैक्स नहीं लगाया तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, अगेन इंपॉर्टेंट वन। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब मैंने आपको गुड्स बेचा, मैं कौन हूँ सप्लायर, आप कौन हो रिसिपिएंट, तो मैं जब आपको गुड्स बेचूंगा, सही है, गुड्स 100 रुपये का है, जब गुड्स बेचूंगा तो इस पर मैंने 5% GST लगाया, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 100 रुपये पे 5% GST लगाया तो कितना हो जाएगा, 105 रुपया। तो ये मैंने आपको बेचा और आपसे 105 रुपये ले लिया, 100 रुपये अपने गुड्स का और 5 रुपये GST का, और जो मैंने 100 रुपये अपने गुड्स का लिया वो अपने जेब में रख लूँगा और 5 रुपये जो मैंने GST के नाम पे लिया था वो गवर्नमेंट को दे दूँगा। इसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। इसे क्या कहते हैं? फॉरवर्ड चार्ज। रिपीट कर दूँ मैं, ये गुड्स था मैंने आपको बेचा, ये कितने का था, 100 रुपये का था, ये मैंने बेचा, इस पर GST कितना लगाया मैंने, 5%, मतलब ये ऐसा गुड्स है, एग्जाम्पल है, ये मान लेते हैं ये ऐसा गुड्स है जिस पर 5% GST लगता है, तो इस पर 5% कितना आएगा, 5 रुपया। तो 100 रुपये की चीज़, 5% GST कितना हो गया, 105। मैंने जब आपको बेचा तो आपने मुझे कितना दिया, 105 रुपया दिया, 100 रुपये अपना रख लूँगा, 5 रुपया मैंने GST के नाम पर वसूला है वो मैं गवर्नमेंट को दे दूँगा। ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में गवर्नमेंट को GST का पैसा कौन पे करता है, पे करना मतलब कौन भरता है गवर्नमेंट को, सप्लायर या रिसिपिएंट? आप कहोगे सप्लायर, मैंने ही तो भरा ना गवर्नमेंट को, नो डाउट वो आपसे वसूला, आपसे मैंने वसूला मतलब सप्लायर ने रिसिपिएंट से वसूला और किसको दिया, गवर्नमेंट को। मतलब फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा कौन देता है, सप्लायर देता है। नेक्स्ट, दूसरा रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मतलब, अब समझना, ये ऐसा सामान है जिस पर टैक्स तो लगता है बट मेरे पास अथॉरिटी नहीं है टैक्स कलेक्ट करने की। आपने सीखा होगा रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने सीखा ही होगा, ज़रूर सीखा होगा। मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं कौन हूँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ। बहुत सारे केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन हो सकता हूँ, मान लो एग्रीकल्चर का केस है, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, अनरजिस्टर्ड हूँ, लेकिन जो मैं सामान बेच रहा हूँ इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो मैं सामान बेच तो दूंगा, टैक्स भी लगेगा मतलब, लेकिन मैं टैक्स का पैसा वसूल नहीं सकता आपसे। जैसे ये एक सामान है 100 रुपये का, इस पर 5% GST लगता है, 5% लगेगा भी, आपको 105 देना पड़ेगा, बट मुझे आप टैक्स का पैसा नहीं दोगे क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स नहीं ले सकता वो, तो मैं सिर्फ आपका 100 रुपये ही लूँगा, लेकिन सामान तो 105 रुपये का है क्योंकि 5% GST भी लगा था। तो आप सामान ले लोगे मुझसे, आपको देना 105 ही है, 100 रुपये मुझे दोगे, मुझे टैक्स का पैसा नहीं दोगे, और 5 रुपये आप गवर्नमेंट को दे दोगे, जिसको कहते हैं आप RCM, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया।
क्लियर है फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स भरता है और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट खुद टैक्स भर देता है गवर्नमेंट को। दोनों में ना फ़ायदा है ना नुकसान है, किसको? रेसिपिएंट को। फॉरवर्ड चार्ज में भी आपको टैक्स का पैसा मुझे देना था, मैं गवर्नमेंट को दे देता, रिवर्स चार्ज में आप खुद अपना पैसा गवर्नमेंट को दे देते हो, हाँ या ना? मतलब मेरे एग्जांपल में आप रजिस्टर्ड थे, मैं अनरजिस्टर्ड था, तो आप रजिस्टर्ड हो सीधा पैसा। आप बोलोगे सर अगर मैं भी अनरजिस्टर्ड हूँ तो, मतलब आप भी अनरजिस्टर्ड मैं भी अनरजिस्टर्ड, तो फिर कुछ जीएसटी का लोचा ही नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल सप्लाई, देखो याद करो प्रिंसिपल सप्लाई क्या था, आपने दो चीज़ सीखा था, कंपोजिट सप्लाई मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई मिक्स। कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड होता है, जैसे एसी खरीदोगे तो एसी भी मिलेगा साथ में उसकी वो सर्विस जो आके वो फिटिंग वगैरह करेगा वो भी मिलेगा, तो ये नेचुरली बंडल्ड है, सामान भी मिला मतलब गुड्स भी मिला, एसी भी मिला और उसकी सर्विस भी मिली इंस्टॉलेशन वाले, तो ये कौन सा सप्लाई हुआ? ये कंपोजिट सप्लाई हुआ। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या था, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई का मीनिंग इसमें मेन गुड्स था या सर्विस था? आप कहोगे मेन गुड्स था, मतलब एसी नहीं लेते तो क्या वो इंस्टॉलेशन मिलता? नहीं मिलता। एसी इसमें मेन गुड्स है, तो प्रिंसिपल गुड्स कौन सा है इसमें? एसी है, तो जब उसका सप्लाई होगा तो उसको प्रिंसिपल सप्लाई कहते हैं, ठीक है? याद है ना कंपोजिट सप्लाई की केस में जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिटरमाइन होता है प्रिंसिपल सप्लाई के बेस पे, तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन की सर्विस थी उस पर भी जीएसटी है और जो मैंने एसी खरीदा उस पर भी जीएसटी है, तो मुझे कौन सा रेट चार्ज होगा? मान लेते हैं एसी पे 5% है और इंस्टॉलेशन सर्विस पे 12% है, एग्जाम्पल है, मैंने कहा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। एसी पे 5% और जो इंस्टॉलेशन की मुझे सर्विस मिली उस पर 12%, तो मुझे जब टैक्स देना होगा तो मैं कितने परसेंट टैक्स दूंगा, 5% या 12%? आंसर, जो मेरे केस में, जो मेरे कंपोजिट सप्लाई की केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई था ना उसका रेट ऑफ टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। तो दोनों में प्रिंसिपल सप्लाई क्या था, एसी या इंस्टॉलेशन? एसी, तो 5%, तो एसी के लिए भी 5% देना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन के लिए भी 5%। मतलब जब कंपोजिट सप्लाई में रिसीव करूंगा, जब कंपोजिट सप्लाई में रिसीव करूंगा तो उसमें जो सबसे प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसका जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो सबको चार्ज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई मतलब वो नेचुरली बंडल नहीं होता, आप जानबूझ के चीज़ों को आप खुद बंडल कर देते हो। बहुत बेस्ट एग्जांपल है दिवाली में जो मिठाइयाँ मिलती है, जब दिवाली आती है तो देखो ना मिठाइयाँ मिलती है, कैडबरी भी होगा वहाँ पे, काजू कतरी भी होगा वहीं पे, मतलब बादाम भी होगा, अलग अलग बहुत बॉक्स मिलता है, पर और टोकरी होता है वो स्पेशली वो कैडबरी वाले का ही होता है, वो पूरा एक हम्पट टाइप होता है, वो पूरा कैडबरी भी है उसी में, काजू कतरी भी है उसी में, बादाम भी है उसी में, अलग अलग स्वीट्स होते हैं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ उसमें इतने सारे मिठाइयाँ हैं, क्या वो नेचुरली बंडल था? बिल्कुल नहीं, नेचुरली बंडल नहीं था वो, अपने खुद मिक्स किया था कि ज़्यादा बिके, सेल ज़्यादा हो, इसीलिए सप्लायर ने किया था। तो अब कौन से रेट ऑफ टैक्स लगे उस पे? मतलब मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, ये दो गुड्स है, ये बहुत सारे वो मिठाइयाँ ऐसे वो टोकरी में बहुत सारा मिठाइयाँ रखी हुई हैं, अब इसमें अलग अलग मिठाई है, सब पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है, तो कौन से रेट ऑफ टैक्स से चार्ज हो? तो आंसर, इसमें जिसका सबसे हाईएस्ट रेट होगा ना इसमें से, जो भी मिठाई पे, जो भी चीज़ पे, वो टैक्स रेट सब पे चार्ज हो जाएगा। तो मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट होता है ना, मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट ऑफ गुड्स ऑफ कमोडिटी होती है वही रेट ऑफ टैक्स सब पे चार्ज हो जाता है, और सेकेंड वाले में मतलब कंपोजिट वाले में प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है वो सब पे अप्लाई होता है। तो याद रखना, याद क्या रखना है जल्दी बताओ, प्रिंसिपल कंपोजिट सप्लाई के केस में जो रेट ऑफ टैक्स है वो किसके हिसाब से चार्ज होता है? जो सर प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल सप्लाई होगा। प्रिंसिपल मतलब, अब देखो मोबाइल और चार्जर खरीदते हो, मोबाइल और चार्जर, तो मोबाइल और चार्जर दोनों का पैसा देना पड़ता है, दोनों में प्रिंसिपल कौन सा है, फ़ोन या चार्जर? आप बोलोगे फ़ोन, फ़ोन खरीदा तभी तो चार्जर है, चार्जर खरीदोगे तो फ़ोन थोड़ी मिलता है, समझ में आ गया? ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, ये तो रिविजन लेक्चर है, ठीक है? नेक्स्ट ईको, ईको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बेस्ट एग्जांपल फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। अगर मैं अमेज़ॉन वाला हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टोर वालों ने अपने स्टोर को रजिस्टर कराया हुआ है, मैं खाली डिस्प्ले करता हूँ, ऐप है, आप बुकिंग करते हो ऑर्डर, जब आप ऑर्डर बुकिंग करते हो तो मैं थोड़ी आपको सामान ला कर देता हूँ, अमेज़ॉन वाला थोड़ी ला कर देता है, ध्यान से सुनना, मैं पूरी बात सुनना पहले। आप मुझे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपने देखा होगा गुड्स कौन से स्टोर का है वो नीचे लिखा होता है, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो स्टोर का था ABC, तो जैसे ऑर्डर आता है मैं ABC वाले को बोलता हूँ, ABC वाले से माल उठाता हूँ, पैक करता हूँ और आपको भेज देता हूँ, तो मैं सिर्फ इंटरमीडिएट का काम कर रहा हूँ। आपसे जब मुझे पैसा मिलेगा तो उस पर मैं अपना कमीशन कट करके रख लूँगा, बाकी का पैसा उस ABC स्टोर को दे दूँगा,
तो अमेज़ॉन ऐसे ही कमाता है, हाँ या ना? तो मुझे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मुझे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम में आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का एग्ज़ाम्पल दो तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, स्कोप ऑफ सप्लाई। देखो यहाँ से भी बहुत सारे MCQs आ सकता है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। आप सप्लाई किसे बोलते हो और सप्लाई किसे नहीं बोलते हो, तो ये देखो, या फिर किस चीज़ को आप सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हो, या फिर किस चीज़ को आप सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हो, वो देखो फटाफट से। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, बार्टर, लाइसेंस, रेंटिंग, लीज, डिस्पोजेबल, इनमें से कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो ना, सबको सप्लाई मानेंगे। ध्यान से वर्डिंग्स देख लो फटाफट से, ध्यान से एक एक वर्ड देख लो। चाहे आप सेल करो, चाहे आप एक्सचेंज करो, चाहे आप ट्रांसफ़र करो, चाहे आप बार्टर एक्सचेंज करो, चाहे लाइसेंस, लाइसेंस पे किसी कोई चीज़ दिया हुआ है आपने, रेंटिंग, कोई चीज़ रेंट पे दे दी, कोई चीज़ लीज पे दे दी, कोई चीज़ डिस्पोज कर दी, ये सारी चीज़ों को आप क्या मानोगे, सप्लाई मानोगे। सारी चीज़ों को क्या मानोगे, सप्लाई, अगर कंसिडरेशन प्रेजेंट है तो। ये कौन सा केस है, कंसिडरेशन प्रेजेंट है तो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब ये सारी चीज़ें इन कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सर कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब तो समझ में आता है, ये सारे बिजनेस एक्टिविटी होने चाहिए, मतलब बिजनेस में होने चाहिए, मेन एक्टिविटी होनी चाहिए। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस कनेक्टेड, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस कनेक्टेड। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? देखो मैं बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत इनडेप्थ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर इनडेप्थ जाने लगे ना तो एक एक को एक एक घंटा लग जाएगा, समझ में आ रहा है, और अपने को एक से डेढ़ घंटे में पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आपने जो पढ़ा था, आपने तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास तो लिया ही होगा, पढ़ा ही होगा, ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आपको फटाफट से याद आ गया होगा आपने जो भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर ये आपने सिर्फ रीड कर दिया और आपने को समझाया ही नहीं इसके अंदर, तो एक एक टर्म को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसको आप सेल कर दोगे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर उसको आपने सेल कर दिया तो इसको आप क्या कहोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहोगे। अगर उसका ट्रांसफर ऑफ राइट किया हुआ है, T/F मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट, अगर उसका राइट आपने ट्रांसफर किया हुआ है, अगर उसका राइट आपने ट्रांसफर किया हुआ है तो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा वो। उसका राइट अगर ट्रांसफर किया तो क्या बन जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर राइट ट्रांसफर करने का मतलब, अरे आपने एसेट बेचा नहीं है, सिर्फ भाड़े पे दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और अगर परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, परमानेंट ट्रांसफर मतलब उसको बेच ही डाला, तो बेच डाला, तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, पर देखो परमानेंट ट्रांसफर जनरली क्या होता है, बिजनेस बंद हो गया, अब तक बिजनेस चल रहा था, बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस बंद हो गया तो एसेट रख के क्या करेंगे, बेच देंगे, तो जब बिजनेस बेच देंगे तो परमानेंट ट्रांसफर कहते हैं, तो उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब सर अगर वो बेच दिया, ओनरशिप चेंज हो गई, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। ओनरशिप अगर चेंज नहीं हुई है, देखो सर ट्रांसफर ऑफ राइट में मैंने सिर्फ उसको भाड़े पे दिया यूज़ करने के लिए, मेरे पास 100 ट्रक है, मैंने 20 ट्रक दे दिया भाड़े पे यूज़ करने के लिए, तो ये ट्रांसफर ऑफ राइट है, क्या ओनरशिप चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जहाँ ओनरशिप चेंज हुई है सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो, जहाँ ओनरशिप चेंज नहीं हुई है, ये सिर्फ मैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोल रहा हूँ, जहाँ ओनरशिप चेंज हो जाए सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ ओनरशिप चेंज नहीं हो सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग एंड जॉब वर्क, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कैटरिंग एंड जॉब वर्क, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR एंड सॉफ्टवेयर, इन सब का जो होता है ना सप्लाई, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। अब ध्यान से सुनो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ना गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है। मैंने आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉस्टिंग में बताया था मैंने, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ये दे दिया कि बिल्डिंग बना के चाहिए, तो अब मैं आपको गुड्स भी दे रहा हूँ सर्विस भी दे रहा हूँ। गुड्स कैसे, अरे मटेरियल वगैरह लगेगा वो भी दे रहा हूँ मैं आपको, और बना के दे रहा हूँ मतलब सर्विस भी दे रहा हूँ, उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जितनी चीज़ें होती हैं सब सप्लाई ऑफ सर्विस में कंसिडर की जाती हैं। कैटरिंग का है या फिर जॉब वर्क है, ये सब का सब जब भी आप प्रोवाइड करोगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ये देखो लैंड एंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपने रेंट पे दे दिया, क्या बोल रहा हूँ, रेंट पे दे दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच ही दिया, सेल कर दिया, तो ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनता है,
उसको जीएसटी से अभी तक बाहर रखा हुआ है, वो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दे दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस, बेच दिया सर रेंट वेंट पे नहीं बेच ही दिया तो बेच दिया तो नया सप्लाई ऑफ सर्विस है, नया सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपने ओनरशिप चेंज हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानो, तो बेच दिया तो ओनरशिप चेंज हो गया तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सो रहे हो ऐसा लग रहा है, मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोला था, मूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेंज हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानने का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेंज हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानने का ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, ध्यान रखना ये डिफरेंस है। आगे IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको एकदम से बेच दो मतलब परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दो या टेम्पररी कुछ टाइम के लिए दो, दोनों ही केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर दो या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दो, रेडीमेड मतलब जिस हालत में रेडी टू यूज़ में दे दो, कस्टमाइज मतलब उसको कस्टमर के प्रेफरेंस या डिमांड के हिसाब से कुछ चेंज करके कस्टमाइज करके दो, दोनों ही केस में सप्लाई ऑफ सर्विस। इन शॉर्ट इन सबको जब भी आप सप्लाई करोगे, चाहे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे गेटिंग, चाहे जॉब वर्क, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे IPR और सॉफ्टवेयर, सबका क्या माना जाता है? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। डन, ठीक है, पक आगे बढ़ते हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स चैप्टर नंबर 4, ध्यान से देखो। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है GST का इंट्रा और इंटर, आपको पता ही है इंट्रा मतलब इंट्रा स्टेट मतलब जब विद इन द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन करते हो, इंटर स्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट जब ट्रांजेक्शन होता है, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो CGST और SGST हाफ ऑफ चार्ज होता है, अगर यूनियन टेरिटरी अगर वो स्टेट है तो CGST और SGST लगता है, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST लगता है, ठीक है। अगर इंटर है तो इंटर मतलब चाहे वो स्टेट स्टेट के बीच में हो, चाहे वो यूटी स्टेट के बीच में हो, चाहे यूटी के बीच में हो, दोनों के बीच में हो, किसी के भी बीच में हो, बीच में अगर बाउंड्री आ गई तो वो इंटर स्टेट माना जाता है, ठीक है। कौन सा GST लगेगा? IGST, ठीक है। IGST का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे ना आ सकता है MCQs में, आई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड है, इंटरनल है, इंटरनेशनल है, याद रखना। तो आई का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड। सी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने 20 और ये 40 का लिखा हुआ, तो ध्यान से सुनो। एक चीज़ और पहले मैं बता दूं, फिर बताता हूँ 20-40 का लिखा मैंने। अपने इंडिया में जो GST इंप्लीमेंट हुआ है वो कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017 को, याद रखना, MCQs में आ सकता है। GST कभी इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और अपने इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वह 4-tier, तो देखो 4-tier रेट स्ट्रक्चर है अपने इंडिया में, याद रखना। ये भी आ सकता है कि इंडिया के अंदर जो GST इंप्लीमेंट हुआ है उसमें 3-tier टैक्स स्ट्रक्चर है, 2-tier है, 1-tier है, 4-tier है, 5-tier है, कितना टीयर है? आंसर 4-tier रेट स्ट्रक्चर है। पहला, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, जो एसेंशियल है, उन पे 5% है, तो अगर 5% चार्ज हुआ तो दोनों 2.5-2.5 लगेंगे, और अगर इंटर का केस है तो पूरा 5 लगेगा। बेसिक नेसेसिटी जो गुड्स, देखो मैंने ये गुड्स एंड सर्विस के लिए ये मैंने मार्क डाला हुआ है, तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो गुड्स है ना, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बेसिक नेसेसिटीज़ वाली हैं उस पर 12% है, याद हुआ आपको? एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पे 5%, बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें पर 12%, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 18%, मोस्ट ऑफ गुड्स इसी कैटेगरी में आई हैं, मोस्ट ऑफ गुड्स 18% चार्ज होती है रेवेन्यू न्यूट्रल रेट पे। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब ना वो एसेंशियल है, ना वो बेसिक नेसेसिटी की है, और ना ही वो लग्जरी में आता है, ना वो लग्जरी में फॉल होता है, तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट में आता है, और मोस्ट ऑफ गुड्स 18% में फॉल्ड है। डीमेरिट्स एंड लग्जरी गुड्स, देखो डीमेरिट मतलब वो जो भी तंबाकू बीड़ी और सिगरेट वगैरह है वो डीमेरिट गुड्स, अल्कोहल वगैरह हो गया। और लग्जरी गुड्स, लग्जरी में अब क्या आ जाता है? जो भी हाई प्राइस गुड्स हैं उस पर कितना लगा है? 28%। तो इंडिया में जो रेट स्ट्रक्चर है वो कितना है? 4-tier है। बताओ फटाफट से, एसेंशियल पे कितना है? 5%, बेसिक नेसेसिटीज 12%, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 18%, रेवेन्यू न्यूट्रल हो गया, डीमेरिट एंड लग्जरी 28%, तो 4-tier है। क्या याद हुआ? 5-12, बोलो मेरे साथ, 5-12 18 28, सही बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो, सही बोल रहा हूँ या रॉन्ग बोल रहा हूँ? 5-12 18 28, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब दूसरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने जब जीएसटी बनाया तो बोला 20-20% से ज़्यादा जीएसटी नहीं रखेंगे। क्या बोला?
20% से ज़्यादा जीएसटी नहीं रखेंगे। सर इसका क्या मतलब है, अब समझो, अगर 5% जीएसटी करे तो दोनों 2.5-2.5 लगता है, 12% है तो दोनों 6-6 लगता है। तो ये मैक्सिमम रेट अभी क्या चल रहा है पता है जीएसटी में, 28%, मतलब 14% ये लगता है, 14% ये लगता है अगर इंट्रा है तो, और इंटर है तो 28 लगता है। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना चार्ज कर सकती है पता है, 40%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम गवर्नमेंट जीएसटी कितना चार्ज कर सकती है, 40%। मतलब सी जीएसटी का मैक्सिमम 20, एस जीएसटी का मैक्सिमम 20, और इंटर का होगा तो कंबाइंड में टोटल 40%। मतलब गवर्नमेंट अगर ये टैक्स रेट को अगर बढ़ाती भी है तो बढ़ा के कितना कर सकती है, मैक्सिमम 40%। तो इंट्रा में अगर फॉल हुआ तो 20-20, तो अगर आ गया सी जीएसटी का मैक्सिमम कितना कर सकती है गवर्नमेंट सी जीएसटी, तो 20%। एस जीएसटी का मैक्सिमम 20%, यूटी जीएसटी का भी 20%, और आई जीएसटी का मैक्सिमम 40, क्योंकि दोनों का कंबाइंड होता है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊँ, हो सकता है आपने ये कॉलेज वगैरह में नहीं सीखा हो या स्कूल में नहीं सीखा हो, कॉलेज क्लासेस में नहीं सीखा हो, ध्यान से सुनना। वैसे अपने को लगता है जीएसटी एक एक्ट है, जीएसटी एक एक्ट नहीं है, जीएसटी 4-5 एक्ट मिलके बना हुआ है। मतलब जब एक्ट बना तो जीएसटी एक्ट जैसा कुछ नहीं है, सी जीएसटी एक्ट है, एस जीएसटी एक्ट है, यूटी जीएसटी एक्ट है, आई जीएसटी एक्ट है। तो कितने एक्ट हो गए, 4 एक्ट हो गए, सी जी एस टी एक्ट 2017, एस जी एस टी एक्ट 2017, यू टी जी एस टी एक्ट 2017, आई जी एस टी एक्ट 2017, तो 4 एक्ट हो गए। प्लस एक और बना जी एस टी कॉम्पेंसेशन एक्ट 2017, तो वो इरेलीवेंट है, अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ तो जी एस टी जैसे कोई चीज़ नहीं है, इन सबको कंबाइन करके आप उसको जी एस टी बोलते हैं, क्योंकि सब में जी एस टी तो कॉमन है ना। हाँ तो आपसे आ सकता है कि कितने टैक्सेस, कितने एक्ट बने, तो 5 एक्ट बने, सी जी एस टी एक्ट, एस जी एस टी एक्ट, यूटी जी एस टी एक्ट, आई जी एस टी एक्ट, जी एस टी कॉम्पेंसेशन एक्ट, ठीक है। एक एक्ट वो और है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो इरिलेवेंट है अभी, ठीक है। चलो क्या याद रखना है, सी जी एस टी 20, एस जी एस टी 20 मैक्सिमम, और आई जी एस टी मैक्सिमम 40%। कितने टीयर रेट स्ट्रक्चर है अपने इंडिया में, 4 टीयर रेट स्ट्रक्चर है, 5%, 12%, 18%, 25% एसेंशियल, 12% बेसिक नेसेसिटी वाले, 18% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, और 28% जो डीमेरिट या लग्जरी गुड्स हैं। डीमेरिट मतलब जिससे अपने हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है, तबैको, सिगरेट, वाइन वगैरह जो भी है। लग्जरी में जो भी हाई प्राइस गुड्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा कुछ नीचे और लिखा हुआ है वो देख लो फटाफट से। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे अभी तक जीएसटी नहीं है, और यहाँ पे ही बता दिया था मैंने, नहीं है जीएसटी। तो सर जीएसटी नहीं लगता है मतलब दारू फ्री बिना टैक्स का है, खूब पीना, मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी क्यों नहीं लगाया ये सोच के कि आज सब लोग बहुत बहुत दारू पियेंगे, बिल्कुल नहीं। जीएसटी नहीं है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी टैक्स नहीं है, टैक्स है। कौन सा टैक्स है, सीएसटी और वैट। मतलब अगर लिकर अगर इंट्रा हो रहा है तो उस पर वैट लगता है, और इंटर हो रहा है तो उस पर सीएसटी लगता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी तो नहीं लगता है, लेकिन क्या लगता है, सीएसटी और वैट लगता है। सीएसटी जब इंटर ट्रांजेक्शन हो, और वैट जब इंट्रा ट्रांजेक्शन हो। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो आपने पाँचों नाम याद किए होंगे, जो भी 5 है, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, है ना, ये 5 नाम, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी जीएसटी अभी तक नहीं लगता है। ऐसा उन्होंने बोला है कि अभी नहीं लगेगा, जब से हम लोग बोलेंगे, जब नोटिफाई करेंगे तब से लगेगा, तो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो सर अभी क्या लगता है उसके ऊपर, सीएसटी और वैट लगता है उसके ऊपर भी। क्या लगता है उसके ऊपर भी, सीएसटी और वैट। सीएसटी का जब इनका इंटर स्टेट हो, और इंट्रा स्टेट हो तो क्या लगता है, वैट लगता है। ये देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो अभी तक जीएसटी नहीं लगा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो अभी से जीएसटी नहीं लगा है। अभी यही बोला था मैंने, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दे दो तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और जीएसटी लगाया जाएगा, बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर दो तो ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो अगर दोनों ही नहीं है तो क्या उस पर जीएसटी लग सकता है, बिल्कुल नहीं। मैंने यही समझा दिया था, अगर गुड्स और देखो सप्लाई होना चाहिए, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होना चाहिए या तो गुड्स का या तो सर्विस का, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया, यहीं लिख दिया, गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की केस से बाहर हो गया, तो ना लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स कैटेगरी में आता है, ना सर्विस की कैटेगरी में, तो ना वो गुड्स की कैटेगरी में आया ना सर्विस की कैटेगरी में,
ना गुड्स की ना सर्विस की, तो क्या उसके सप्लाई पर टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट? जीएसटी लगा सकती है? बिल्कुल नहीं लगा सकती। तो फिर क्या लगता है सर? अरे उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ये आपको पता ही होगा, जब भी घर खरीदे बेचे जाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगता है, हाँ या ना सर? कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है स्टैम्प ड्यूटी और वो पे करना पड़ता है, ठीक है? याद रहेगा? फटाफट से बताओ, याद रहेगा या भूल जाओगे? याद रहेगा। क्या याद रहेगा? कितने प्रोडक्ट पे नहीं लगता है जीएसटी? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं लगता है। क्या लगता है? सीएसटी और वैट लगता है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगते हैं, सीएसटी और वैट लगता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बेचोगे तो, बेचो या खरीदो, जो भी सेल और परचेज पे क्या नहीं लगता है? जीएसटी नहीं लगता है। तो क्या लगता है? स्टैम्प ड्यूटी लगता है, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ सकता है, चलो नेक्स्ट। कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी देखो, याद है ना कॉम्पोजिशन लेवी? ये एक राहत था स्मॉल बिजनेस मैन के लिए। ये क्या लिखा हुआ मैंने? CTP, NRTP एंड टिप। मतलब अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर कोई ट्रेडर, अगर कोई सप्लायर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कोई बिजनेसमैन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर वो मैन्युफैक्चर करता है टिप का, टिप मतलब टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, रिपीट करता हूँ, अगर मैं CTP हूँ मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, या फिर मैं NRTP हूँ मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ, या फिर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ टिप का, टिप एक शॉर्टकट है, मतलब एक इनिशियल्स का बनाया हुआ एक वर्ड है, टी फॉर टबैको, आई फॉर आइसक्रीम, पी फॉर पान मसाला। तो अगर आपने टिप का मैन्युफैक्चर किया हुआ है तो आपको कॉम्पोजिशन लेवी नहीं मिल सकता। मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या फिर मैन्युफैक्चर करता हूँ टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला, तो मैं क्या कॉम्पोजिशन लेवी का बेनिफिट ले सकता हूँ ये स्कीम में, कॉम्पोजिशन स्कीम में मैं ऑप्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग ने सीखा था कि अगर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड में अगर हम लोग रहते हैं तो अपने लिए लिमिट क्या है एग्रीगेट टर्नओवर की? 75 लाख। मतलब अपना एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? अप टू 75 लाख। तो हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ऑप्ट नहीं कर सकते। और इनके अलावा रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड UT, उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कितना था? 1.5 करोड़ रुपया। तो 75 लाख और 1.5 करोड़ लिमिट्स हैं, 75 लाख और 1.5 करोड़ लिमिट है किसकी? कॉम्पोजिशन स्कीम की। अप टू मतलब उतना, उससे ज़्यादा हुआ तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे। आप एलिजिबल होने के लिए आपका अमाउंट इतना या इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ और मैंने लिखा हुआ है देखो, अगर आप, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखो, ये तो सम करते टाइम लगता था आपको, याद है ना? 75 लाख और 1.5 करोड़, तो ये तो याद रखना पड़ता था ये सम करते वक्त। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद करना जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर उसने कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, उसको कितना परसेंट टैक्स भरना है? 1%। 1% ये मैंने टोटल लिखा हुआ, मतलब CGST 0.5 होगा, SGST 0.5 होगा। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है, या फिर कोई केटरिंग, ऐसी कोई रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है या कोई केटरिंग सर्विस दे रहा है, और उसने अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, उसे कितना टैक्स भरना पड़ेगा? 5% टोटल में, मतलब 2.5% CGST, 2.5% SGST एंड एनी अदर, इन दोनों को छोड़ के किसी ने ऑप्ट किया हुआ है तो उसके लिए अगेन कितना है? 1%। तो ऐसे याद रख सकते हो, मैन्युफैक्चरर और एनी अदर के लिए 1% है, रेस्टोरेंट और केटरिंग वालों के लिए 5% है। सर ये रेट क्या है? ये रेट है अगर मैन्युफैक्चरर ने ऑप्ट किया कॉम्पोजिशन स्कीम तो टैक्स भरना पड़ेगा, कितना भरना पड़ेगा उसको? 1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST। और एनी अदर एलिजिबल है, एनी अदर एलिजिबल पर्सन है जिसने ऑप्ट किया हुआ है तो उसको भी 1%, लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट वाला है या फिर केटरिंग सर्विस वाला है, मतलब ऐसा पर्सन है जो रेस्टोरेंट सर्विस या केटरिंग की सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए भी कितना, उसके लिए कितना है? 5%। मतलब ये याद रखना, फिर से मेरे साथ बोलो फटाफट से, रेस्टोरेंट और केटरिंग वाले के लिए कितना है? 5%, मतलब 2.5। मैन्युफैक्चरर और एनी अदर के लिए कितना है? 1, मतलब 0.5, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? कॉम्पोजिशन में बस इतना ही है, याद रखना कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है, कॉम्पोजिशन कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑप्ट ही नहीं कर सकता, उसके लिए ये लिमिट विमिट चेक ही नहीं करते अपन। NRTP मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऑप्ट ही नहीं कर सकता। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला बना रहा है, वो भी इन एलिजिबल हो जाता है, ठीक है? कोई डाउट यहाँ पे? आगे बढ़ सकते हैं अपन, चलो बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 5 कम्प्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 6 एग्जेम्पशन, वो आप करोगे अपने शीट से, आप
आपने जहाँ कहीं भी क्लास लिया होगा आपको शीट मिला होगा एक एग्जम्पशन का, क्योंकि बहुत बड़ा वो चैप्टर होता है, बहुत सारे एग्जम्पशंस होते हैं उसके अंदर, वो एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे अगर वो लिखने के और अगर मैंने उसको अपने आज के डिस्कशन में ले लिया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ होता एकदम बेसिक सा है, वो खाली याद रखना होता है, हॉस्पिटल वाली सर्विसेज, एग्रीकल्चर वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। हार्डली आपको हाफ एन आवर लगेगा वो पूरा वो शीट बाय करने में, आराम से कर लोगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। आओ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई देखो मैंने बोर्ड पे ना ये जो चार चैप्टर्स लिखे हुए हैं ये वो चैप्टर्स लिखे हैं मैंने जहाँ से ज़्यादा MCQs आने के चांसेस है, ठीक है। वही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो जहाँ से ज़्यादा MCQs आएंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आ जाओ चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग याद है आपको क्या था मीनिंग टाइम ऑफ सप्लाई का, कि सर एक्चुअल में अपन लाइबल कभी होते हैं टैक्स पे करने के लिए। क्या कह रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स एक्चुअल में अपन लाइबल कभी होते हैं टैक्स पे करने के लिए। आओ गुड्स के केस में और सर्विस के केस में दोनों के केस में अलग अलग है। पहला गुड्स के केस में दो था, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज केस में क्या था, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, मतलब जिस दिन आपने एक्चुअल में इशू किया इनवॉइस या फिर जो ड्यू डेट थी सेक्शन 31 के हिसाब से, याद है रेगुलर डिस्कशन में हम लोग ने पढ़ा था, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा था आप लोगों को याद होगा, अच्छा आप किसी भी क्लासेस में थे आपको बताया ही होगा, वो है बेसिक सी चीज़ है ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, उन दोनों के डेट को आप कंपेयर करोगे जो विच एवर इज अर्लियर है वो क्या बन जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा फॉरवर्ड चार्ज के केस में। अभी हम लोग किसके केस में, गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज। नाउ गुड्स में देखो ये फटाफट से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप रिमाइंड करने की कोशिश करो, आपने यही तो सीखा था गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज के केस में एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कंपेयर्ड विद ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो विच एवर इज अर्लियर हो गया वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाता था। हाँ या ना, सम्स भी किए होंगे आपने इसके ऊपर। RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहाँ पे तीन डेट को कंपेयर करनी होती है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इन तीनों डेट को कंपेयर करोगे विच एवर इज अर्लियर वो डेट आपका बन जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली सर इसमें याद क्या रखना है आपको, कुछ भी नहीं, रूल याद रखना है आपको, इसका रूल क्या है और इसका रूल क्या है, MCQs में वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, MCQs में आ सकता है ये सारी चीज़ें। RCM के केस में तीन डेट हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। ये क्या था, गुड्स था। और सर्विस को देखते हैं फटाफट से, सर्विस में भी दो है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में दो, अगर आपने विद इन 30 और 45 डेज, 45 डेज किसके लिए था, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और 30 अदर देन बैंक्स एंड फाइनेंशियल, अगर आपने विद इन 30 या 45 डेज इनवॉइस रेज कर दिया है तो आपका ये रूल लगेगा, अगर आपने आफ्टर 30 और 45 डेज आपने इनवॉइस रेज किया तो आपके लिए ये रूल लगेगा। देखो पहला डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, आप फॉरवर्ड चार्ज पढ़ रहे हो, फिर से देखो डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन आपने इनवॉइस रेस किया, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जिस दिन आपको पैसा मिला, वो दो डेट कंपेयर करोगे जो अर्लियर डेट है उस डेट का आपको माना जाएगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अगर आपने इनवॉइस सर्विस के कंप्लीशन के आफ्टर 30 या 45 डेज रेस किया है तो आपका फिर इनवॉइस का डेट नहीं देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। देखो होता क्या है, इसका क्या मतलब है विद इन 30 और 45, देखो मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, वो सर्विस आज पूरी हो गई तो आज से लेके 30 दिन के अंदर अंदर, आज सर्विस पूरी हो गई आज से लेके 30 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने इनवॉइस रेज कर दिया तो वो विद इन का केस होता है, और अगर मैंने आज से लेके 30 दिन के बाद इनवॉइस रेज किया तो वो आफ्टर में केस में आता है, ठीक है। ये सेम जो मैं कह रहा हूँ वो 30 दिन नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और 45 डेज किसके लिए है, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। पहले बताओ अगर 30 दिन के अंदर अंदर मैंने इनवॉइस रेज कर दिया तो क्या देखोगे, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आफ्टर 30 या 45 डेज मैंने इनवॉइस रेज किया तो क्या देखोगे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। रूल या देखो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, रूल याद करना। क्या आपको रूल याद हो रहा है, फटाफट से बताओ, रूल याद करना इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको रूल याद हो रहा है,
गुड्स के केस में क्या रूल था, फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या रूल था, गुड्स एंड फॉरवर्ड चार्ज, सर डेट ऑफ, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ इशू, विच एवर इज अर्लियर, ये पहला था, ये फॉरवर्ड चार्ज में था। आरसीएम में क्या था, तीन डेट थी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जिस दिन गुड्स रिसिव्ड हुआ, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन पेमेंट मेड हुआ होगा क्योंकि रिसिपेंट ने पेमेंट दिया होगा, और तीसरा 31st डे फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। क्या तीनों डेट याद हुए, पहला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट मेड, और तीसरा 31st डे फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। सर्विस में सर, सर्विस अभी हम लोग फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड चार्ज में अगर विद इन 30 days आपने इनवॉइस रेज कर दिया तो दो डेट देखोगे, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। आफ्टर 30 days अगर आपने इनवॉइस रेज किया तो दो डेट देखोगे, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या फिर इसको कहते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कंपेयर्ड विद डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये हम लोग बात करें तो फॉरवर्ड चार्ज में थे, रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट मेड एंड 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट मेड क्योंकि रिसिपिएंट मेड करेगा रिवर्स चार्ज में, तो डेट ऑफ पेमेंट मेड एंड 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। देखो यहाँ पे जहाँ भी ये डाउन एरो किया है ना मैंने, इन सबका क्या मतलब है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई समझ में आ गया, इतना ही सीखा था आपने टाइम ऑफ सप्लाई में, और इसके बेस्ड सम किए थे आपने, हाँ यार ना, सम तो करना नहीं है, सिर्फ रूल याद रखना। चलो नेक्स्ट, नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, फटाफट से देखो नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक प्लेस ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब जो कुछ भेजने वाला है, जो सप्लायर है उसका लोकेशन क्या है, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है ये सप्लायर जहाँ पे गुड्स भेजेगा उसका प्लेस क्या है, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जनरली लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब वो प्लेस जहाँ से गुड्स ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब जहाँ से गुड्स जाएगा सामने वाले के पास, और प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो प्लेस जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन है, जहाँ पे गुड्स का डेस्टिनेशन है, जहाँ गुड्स पहुँचेगा या फिर जहाँ गुड्स की डिलीवरी मिलेगी। तो बताओ लोकेशन ऑफ सप्लायर जहाँ से गुड्स ओरिजिनेट होगा सर, जहाँ सप्लायर का लोकेशन है जहाँ से गुड्स वो भेजेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो प्लेस जहाँ गुड्स पहुँचेगा, जहाँ गुड्स की डिलीवरी होगी, मतलब जहाँ गुड्स का डेस्टिनेशन है। डन, ठीक है। ये दो प्लेस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो लोकेशन, जो सप्लायर का लोकेशन है और जहाँ वो गुड्स भेजने वाला है, अगर ये दोनों सेम स्टेट में है ना तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बन जाएंगे, और अगर लोकेशन जो है सप्लायर का और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, मतलब मैं महाराष्ट्र में हूँ, लोकेशन सप्लायर का महाराष्ट्र में, बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ गुड्स डेस्टिनेशन जहाँ गुड्स का है, जहाँ मैं भेजूंगा गुड्स, वो मान लो मध्य प्रदेश में, MP में, दोनों अलग अलग स्टेट है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बन जाएगा। तो इंट्रा और इंटर इसके ही बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर आप लॉजिक जानना हो कि सर ये चैप्टर ही क्यों आया नेचर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यही कि किसी भी ट्रांजेक्शन को आप क्लासीफाई कैसे करोगे कि वो इंटर बनता है या इंट्रा, तो इसी चैप्टर के बेस पे। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है तो वो इंट्रा ट्रांजेक्शन, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ओवर, अब बढ़ते हैं कि कौन गुड्स के केस में क्या होता है और सर्विस के केस में क्या होता है। देखो फटाफट से देखो, गुड्स के केस में किसको मानते हो आप और सर्विस के केस में किसको, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई देखो यहाँ मेन हम लोग किससे कंसर्न है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मेन किससे कंसर्न है आप, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा बनेगा। आओ गुड्स के केस में देखो, जनरली ना जब आपने क्लास में पढ़ा होगा तो इसका बहुत बड़ा एक चार्ट दिया होगा, इवन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता है, हम लोग ने पूरा एक डिटेल किया था कि बिल्ड टू शिप टू मॉडल क्या है, पूरा एक 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 पूरा एक एक डीप डिटेल में किया था। यहाँ पे देखो मैंने कुछ शॉर्टकट्स में लिखे हुए हैं, तो काम बन जाएगा, इतना भी याद रखोगे ना तो पूरा एकदम याद आ जाएगा। देखो फटाफट से, पहला गुड्स के केस में वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, डिलीवरी हो रही है, तो उसके लिए वेयर गुड्स आर डेस्टिन, मतलब जहाँ पे गुड्स जाने वाला है, जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। डन। दूसरा डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स के केस अगर इसमें ऐसा गुड्स है जहाँ मूवमेंट अवेलेबल नहीं है। देखो अभी सारा ना मैं एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर एग्जाम्पल लेने गया तो अब समझ रहे हो ना बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, दैट्स वाई मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ यहाँ पे। चलो आओ, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के केस अभी यहाँ पे ऐसा गुड्स है जहाँ मूवमेंट
इन्वॉल्व ही नहीं है, हो सकता है वो जो है बायर वो मेरे पास आके खुद ही खरीद के खुद ही लेके जा रहा है, तो उसमें मूवमेंट नहीं है, मेरे तरफ से मूवमेंट नहीं है, तो जो लोकेशन है गुड्स का वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, हाँ या ना। तो यार अगर गुड्स में मूवमेंट है, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर जहाँ पे गुड्स पहुँचेगा जहाँ उसका डेस्टिनेशन है, अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो सर जहाँ पे गुड्स का लोकेशन है वो देखो यहाँ पे मूवमेंट है या नहीं, इसका मतलब गुड्स ट्रांसफरेबल है या नहीं उससे पता नहीं चलता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, गुड्स में मूवमेंट है या नहीं है वो ट्रांसफरेबिलिटी से पता नहीं चलता है। देखो ये मार्कर मैंने बेचा और मैं इसकी डिलीवरी करके दे रहा हूँ अपने रेसिपिएंट को, मतलब इसमें मूवमेंट है, बट यही मार्कर मैंने बेचा बट मैंने कहा मैं डिलीवरी नहीं करूँगा, आके लेके जाना पड़ेगा, अब इसमें मूवमेंट नहीं है। दोनों में फ़र्क समझ में आ रहा है? दोनों ही केस में देखो मार्कर तो ट्रांसफरेबल है, यहाँ स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, उनको लगता है गुड्स ट्रांसफरेबल है या नॉन ट्रांसफरेबल है, नहीं गुड्स तो ट्रांसफरेबल है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बट अगर ये गुड्स मैंने उसको डिलीवरी करके दिया, तब सर मूवमेंट है गुड्स में, तो जहाँ मैं डिलीवरी कर रहा हूँ वो डेस्टिनेशन बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट ये गुड्स मैंने अपने दुकान में ही रखा हुआ है, वो आके लेके जा रहा है मेरे पास से ख़रीद के, तो वो आया लेके, तो मैंने तरफ से तो नहीं दिया गुड्स, मतलब मैंने उसको डिलीवरी नहीं दी, तो गुड्स में मूवमेंट नहीं है, तो इसके केस में जहाँ पे गुड्स का लोकेशन है मतलब मेरा ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, डन। चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ देखो यहाँ लिखना इन केस इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, मतलब ऑफ इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली, देखो जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल्ड होते हैं जैसे लिफ्ट हो गया, मशीन हो गया, या फिर जहाँ पे गुड्स असेंबल होते हैं उनके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनता है, बहुत ही सिंपल, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, मतलब जहाँ पे भी वो इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है सर, अगर मूवमेंट है तो, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो जहाँ पे गुड्स जा रहा है मतलब उसका डेस्टिनेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो सर जहाँ पे गुड्स पड़ा हुआ है ना, जो लोकेशन ऑफ गुड्स है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और तीसरा अगर गुड्स इंस्टॉलेशन या असेंबली से रिलेटेड है तो जहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है या फिर जहाँ पे उसकी असेंबली हो रही है उसका लोकेशन या वो प्लेस ऑफ सच असेंबली और इंस्टॉलेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, डन। चलो सर्विस के केस में, जनरली वेयर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोन टू सप्लायर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जनरली यही होता है, अगर मैं सप्लायर हूँ, सर्विस की बात कर रहे हैं, और एक रेसिपिएंट है, अगर मुझे रेसिपिएंट का लोकेशन पता है कि वो कहाँ रहता है तो जनरली उसका लोकेशन ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर मुझे उसका लोकेशन नहीं पता तो मेरा ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रिपीट कर देता हूँ मैं, सर्विस के केस में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, सर्विस के केस में अगर सप्लायर को रेसिपिएंट का लोकेशन पता है, मैं कौन हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मुझे रेसिपिएंट का लोकेशन पता है तो उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अगर मुझे रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं पता तो मेरा तो लोकेशन तो मुझे पता होगा ना, तो मेरा ही लोकेशन क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, डन। ठीक है, अच्छा देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो डोंट वरी, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, एक घंटे के आसपास का होगा, 2-4 बार देख लेना, पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विसेज, मतलब अगर कोई मैं ऐसी सर्विस दे रहा हूँ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, जैसे आर्किटेक्चर की सर्विस, अब आर्किटेक्चर या डिज़ाइन वगैरह की सर्विस, तो ऐसे में लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर मैं कहाँ कहाँ हूँ, मतलब सप्लायर कहाँ का है या रेसिपिएंट कहाँ का है, डजंट मैटर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आप सर्विस दे रहे हो तो सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन है वो कहाँ पे, वो क्या बन जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है, डन। चलो नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें ही तो सबसे ज़्यादा आपको पता था कि रजिस्ट्रेशन में होता क्या है, याद करो सबसे पहले, हो सकता है आपने यही चैप्टर ही पढ़ा होगा अपने ट्यूशन या क्लास में या कॉलेज में कि रजिस्ट्रेशन क्या है, तो बहुत अच्छे से यही सीखा था रजिस्ट्रेशन क्या है, याद है कुछ क्या सीखा था, और फटाफट से रिकैप करते हैं। जनरली रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ़ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन इज मोर देन 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख। अब तीन कैटेगरी किया था, 10 लाख किसके लिए, 20 लाख किसके लिए, 40 लाख किसके लिए, वो कैटेगरी ना आप एक बार देख लेना अपने नोटबुक में ना, वो देखो लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो लिखने जाता तो ये सब काम की चीज़ें रह जाती,
तो वो कैटेगरी आप देख लेना, तीन कैटेगरी था, स्पेशल स्टेट कैटेगरी, ए कैटेगरी जिसको आपने बोला था, फिर बी कैटेगरी और फिर सी कैटेगरी जहाँ पे 40 लाख की बात हो रही थी। हाँ है ना, ए कैटेगरी में 10 लाख था, बी में 20 लाख था और सी में 40 लाख भी था और 20 लाख भी था। तो अच्छे से वो देख लेना पूरा कैटेगरी, ठीक है। बेसिकली लिमिट्स याद रखना, 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख लिमिट है। ये क्रॉस हो गया तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं क्रॉस हुआ नहीं कराना पड़ेगा। सर क्या क्रॉस हो गया? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मिलता कैसे है? एग्रीगेट टर्नओवर मिलता कैसे? आप सारा आउटवर्ड सप्लाई प्लस कर दो। सर आउटवर्ड सप्लाई मतलब सारा सेल्स, अब चाहे वो टैक्सेबल सेल हो, चाहे वो एग्जेम्प्टेड सेल हो, चाहे जीरो रेटेड सप्लाई हो, सब आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। तो इनवर्ड सप्लाई नहीं लेना है आपको, ध्यान रहे। जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड करते हो ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड करते टाइम ओनली आउटवर्ड सप्लाई लेते हैं, इनवर्ड सप्लाई नहीं लेते हैं और ना ही कोई जीएसटी या सेस लेते हैं। तो सिर्फ क्या लेते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। क्या नहीं लेते हैं? इनवर्ड सप्लाई, जीएसटी, सेस वगैरह नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? आउटवर्ड सप्लाई लेते हैं। डन, ठीक है। सर कौन सा वाला आउटवर्ड सप्लाई? अरे कोई भी आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्टेड हो, चाहे जीरो रेटेड हो, चाहे नील रेटेड हो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलो नेक्स्ट। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हम लोग ने सीखा था। कुछ लोग होते हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, उनके लिए लिमिट उमिट नहीं है कि 20 लाख 10 लाख होगा तब कराएंगे, नहीं करवाना ही पड़ेगा। देखो कौन है वो। पहला, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी सप्लायर या कोई भी पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स का, उसको कंपलसरी रजिस्टर्ड करवाना ही है। वो ये नहीं देखेगा कि जब मेरा एग्रीगेट टर्न हो 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख क्रॉस होगा तब जाके मैं करवाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। मेरा अगर 2 लाख भी हुआ और अगर मैंने, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर मान लो 2 लाख है लेकिन मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ, मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहा हूँ, तो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। तो ऐसे में मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मुझे लिमिट उमिट मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। दूसरा, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। हम लोग ने सीखा था ना, बहुत से पर्सन होते हैं जिन्हें आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना होता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो, आप समझ में आ गया, ऐसे पर्सन हो जिसको आरसीएम में टैक्स भरने के लिए फॉल हो रहा है, तो आपको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। थर्ड, सीटीपी एंड एनआरटीपी। सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। होते कौन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? जिनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, इंडियन होते हैं बस, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आउटसाइड इंडिया से आया होता है, उसके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। देखो ये बेसिक मैं बता देता हूँ, सीटीपी एनआरटीपी याद आया आपने सीखा था, बेसिक यही था ना। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कभी स्टेट कभी उस स्टेट घूमते रहता है, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। एनआरटीपी जो इंडियन नहीं है, नॉन रेसिडेंट, नाम ही बोलते हैं ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उस अगेन उसके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, अगेन उसको भी क्या करना होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। तो सर ये चार लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। पहला बताओ फटाफट से, पहला कौन है जिसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा? सर पहला है जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है। दूसरा कौन है जो फॉल होता है आरसीएम में टैक्स भरने के लिए? तीसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चौथा नॉन टैक्सेबल एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो रजिस्ट्रेशन, लास्ट क्या है? नो रजिस्ट्रेशन मतलब इनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, भले ये क्रॉस हो जाए तब भी, ये मतलब सॉरी ये 20 लाख क्रॉस हो जाए तो भी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो कौन है वो लोग। पहला एग्रीकल्चरिस्ट, इसमें एक एग्रीकल्चरिस्ट की अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख 10 लाख 40 लाख क्रॉस भी हो गए फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वो चाहे तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अच्छा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब आप लिमिट उमिट नहीं देख रहे हो। हो सकता है देखो मेरा टर्नओवर एग्रीगेट 5 लाख ही है खाली, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जीएसटी सिस्टम में अपने आप को एनरोल कराऊँ, तो मैं करा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको कहते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सीखा था हम लोगों ने जब हम लोग रेगुलर पढ़ रहे थे तब। देखो नेक्स्ट, पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव। पहला किसे नहीं करवाना होता है? एग्रीकल्चर को। दूसरा पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मतलब मैं हूँ ना, मैं देखो एक सप्लायर हूँ, एक पर्सन हूँ, मैं ऐसा गुड्स बेचता हूँ जो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड है, मतलब ऐसे ही गुड्स बेचता हूँ जो एग्जेम्प्टेड ही है। मतलब एग्जेम्प्टेड का मतलब अब तो आपको पता ही है, वो गुड्स जिस पर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास करके उसको एग्जेम्प्ट कर दिया होता है, मतलब टैक्स होता है लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पे उस पर टैक्स हटा दिया होता है, उसको आप बोलते हो एग्जेम्प्टेड गुड। तो फिर मुझे
रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे गुड्स में डील कर रहा हूँ जिसमें टैक्स तो आता ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों रजिस्ट्रेशन लूँ। समझ में आ गया? ठीक है, डन। तो हम लोग ने ये कंप्लीट कर दिया। हो बहुत दिन से ये मैंने रोक के रखा हुआ था, रोक के क्या रखा हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने के लिए। वो फाइनली टाइम मिला मुझे, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया है। अब आपका काम है इस वीडियो को आप कम से कम कितनी बार देखोगे, कम से कम 3 बार देखोगे तब जाके पूरा समझ में आएगा, और घंटे भर से ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, इसी के आसपास का वीडियो बनेगा ये, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपको, आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को, ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। हाँ या ना, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और बस शीट मिल गया है, MCQs आपके पास हैं, दिल लगा के पढ़ो। दिल लगा के पढ़ना क्या है, वो 100-120 क्वेश्चन मिले हुए हैं, पूरा 3-4 बार उसको रीड कर लो, लर्न कर लो अच्छे से, सो दैट जब आप एग्ज़ाम दोगे तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देखो इस सिचुएशन में जो जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें कोई फेल नहीं होने वाला है। रीज़न बीइंग, एक तो मालूम पड़ गया आने वाला क्या है, पूरा MCQ पता चल गया कि क्या क्या आने वाला है। दूसरा, अगर उसको भी आप अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, तो उसको आपको 3-4 बार पढ़ लेना है। 3-4 बार पढ़ के जब हो जाए अपने आप पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बस मैं और आपका टाइम नहीं लूँगा, मिलेंगे हम लोग आफ्टर एग्ज़ाम कभी, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग आफ्टर एग्ज़ाम मिलेंगे और फिर बातें करेंगे।